ज़्यादा खाना खाने से आप बीमार भी पड़ सकते हैं, आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट भी बढ़ सकता है और आप बहुत ही जल्द बूढ़े भी हो सकते हैं। लेकिन भूख से कम खाने से आप हमेशा जवान रहेंगे, आपके चेहरे पर चमक रहेगी, आपकी सुंदरता लाइफ टाइम तक जवान रहेगी। इसलिए हमेशा भूख से थोड़ा कम ही खाना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फेस मास्क बताऊंगा जो कि आपके चेहरे पर नेचुरल चमक लेके आएगा। आपकी फेस की स्किन पर कभी भी डेड स्किन सेल्स नहीं देखेंगे, आपका फेस हमेशा ग्लो करेगा और आपके चेहरे पर हमेशा ताजगी बनी रहेगी। तो पूरा वीडियो ध्यान से जरूर देखना। इस फेस मास्क को तैयार करने के लिए, रेडी करने के लिए सिर्फ आपको तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहली चीज़, यदि आपके पास संतरे का एक छोटी चम्मच रस हो तो अच्छा है, नहीं तो आप एक छोटी चम्मच नींबू का रस भी ले सकते हैं। नींबू का रस हुआ या फिर संतरे का रस हुआ, आपके चेहरे पर इसका असर तुरंत देखने को मिलता है, आपके चेहरे से गंदगी गायब हो जाती है। तो एक छोटी चम्मच आपको नींबू का रस या फिर संतरे का रस ले लेना है। फिर इसके बाद आपको एक छोटी चम्मच चावल का आटा चाहिए। चावल का आटा आपके चेहरे की रंगत निखारता है, चेहरे के दाग धब्बे दूर करता है, चेहरे पर चमक लाता है, टॉक्सिंस बाहर निकालता है, क्योंकि चावल के आटे में एंटीऑक्सीडेंट्स विटामिन्स होते हैं जो कि आपके फेस के स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। तो एक चम्मच आपको चावल का आटा लेना है। और मैं आपको बता दूं, इस फेस मास्क को हफ्ते में सिर्फ एक बार लगाना और इस मास्क को आपको दिन में ही लगाना चाहिए, क्योंकि दिन में यदि आप इसको लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नाइट के टाइम इसको नहीं लगाएं, दिन में ही आपको लगाना है। और आपको लास्ट चीज़ चाहिए, वो चाहिए शहद। एक छोटी चम्मच शहद ले लेना है, शहद बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है आपकी फेस की स्किन के लिए। शहद में एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। शहद में क्लिंजिंग प्रॉपर्टीज़ होता है जो कि आपकी फेस की स्किन से गंदगी निकालने में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। तो एक छोटी चम्मच आपको शहद लेनी है, फिर उसमें पानी ऐड करके एक अच्छा लेप तैयार कर लेना, एक फेस मास्क तैयार कर लेना, फिर आप अपने चेहरे को धो लेना, क्लीन कर लेना। फेस सूखने के बाद इस मास्क को आप अपने पूरे चेहरे पर लगा लें और इस मास्क को आपको केवल 15 मिनट ही लगाए रखना है। इसको लगाने के बाद आपको छाए में इसको सुखा लेना है और सुखाने के बाद आप अपने चेहरे पर जो मास्क लगाया है उसको आप हाथ से साफ करते हुए चेहरे को क्लीन कर लें। लेकिन याद रखना, आपको ठंडे पानी से क्लीन नहीं करना है, ताज़ा पानी सबसे बेस्ट रहता है। आप ताज़े पानी से आप अपना पूरे चेहरे का फेस मास्क जो आपने लगाया है घरेलू, उसको साफ़ कर लें और फिर इसके बाद जब आपका फेस सूख जाए फिर उसके बाद आपको एक दो बूंदे कोकोनट ऑयल की लेना है, अपने फेस पर लगा लेना है। जैतून ऑयल हुआ या फिर बादाम ऑयल हुआ या फिर कोई सा भी मॉइस्चराइज़र आप अपने चेहरे पर ज़रूर लगा लें। आप देखेंगे आपका चेहरा बेहद खूबसूरत नज़र आने लगेगा। हफ्ते में एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। तो वीडियो कैसा लगा, आज की टिप्स कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल बनाए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ही कर लेना। थैंक यू सो मच।